मेडिकल करेगा वो। अब यहाँ आया तो हवा लगा शहर का। फतीम आने दो, आने दो, आने दो। डायरी का रख दिया मेरे पास, कलम हटा दो मेरा। अरे तो कोचिंग क्लास नहीं जाता होगा, टेस्ट सीरीज में भी नहीं जाता होगा, तो गार्जियन को बताना ना चाहिए कि 50,000 रुपया कोचिंग का फीस है। हो गया, हमको तो लग रहा है कि भेजे कि ना भेजे, ये मन मन में आ रहा है। अब समझिए मन तो नहीं, बाप को जेल भेज दिया तो सिनेमा देखता है। आ गई मैडम, आ गई, आ गई तो बुला लो। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शिवपुरी मोहल्ला है, वहाँ रात में लगभग 8:30 बजे स्थानीय महावीर ज्वेलर्स हैं, बहुत छोटी सी हम्बल सी दुकान है, नया ही शुरू हुआ है, रोड नंबर 0 में ये घटनास्थल है। तो 8:30 के लगभग में वहाँ 2 अपराधकर्मी घुसते हैं, हथियार के बल पर आभूषणों की लूट करते हैं, और कुछ कैश रहता है वहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये, उसकी लूट होती है। इसका FIR नोट दर्ज करते हैं। घटनास्थल पर तरक्षण उसी मौके पर एसपी सिटी पहुँचे थे और हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगले दिन मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया था और जो विक्टिम है उनसे बात की थी, तो उसके बाद से कुछ लीड्स हम लोगों को मिले थे। घटनास्थल का उद्भेदन हम लोग 7-8 तारीख तक कर लिए थे। महज 29 वर्ष की उम्र में 49वां रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जाँच, कोरोना जाँच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन जहां अपराध कर्मियों के रहने की बात थी, वो एक बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, पुनाई चक में, जो आप अटल पथ से सटे हुए जो सम्प हाउस देख रहे हैं, वहां से बगल में ही एक लॉज है, संकीर्ण गली, उसमें एक लॉज है, वहां ये लोग रहते हैं। और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बनकर रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह एसर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पर अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं, और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है, 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया है। रूम में जब रेड हुआ तो रेड से यह बात प्रतीत हुई कि रूम की अवस्था को देख कर ये लोग नशे में पूरी तरह से लिप्त हैं, बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था, शराब की बोतलें नहीं मिली हालांकि, लेकिन ये लोग लड़के पूरे डिरेल्ड हैं। एक वेपन मिला है पिस्टल, जो कि घटना में प्रयोग किया गया है। दूसरे वेपन के बारे में ये लोग बताते हैं कि वो इन लोगों ने बेच दिया है, आभूषण ये लोग बेच नहीं पाए क्योंकि ये लोग डर गए थे, ऐसे इन लोगों का कहना है। सारा आभूषण बरामद हो गया है, चांदी का भी, सोने का भी, 2 मैगजीन है, 15 गोलियाँ हैं, टोटल 4 अपराधकर्मी घटना में थे, 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, एक FZ मोटरसाइकिल थी। दोनों मोटरसाइकिल से हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों हम लोग बरामद कर लिए हैं। महज 29 वर्ष की उम्र में 49वां रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।